देखो बच्चों, आज मैं यहाँ पर पदार्थों के काफी गुण आपको बता रहा हूँ। काफी गुण बताने के लिए मैं यहाँ पर सॉलिड में या ठोस में चला जाता हूँ। आपको मालूम है कि अगर हम ठोस को हीट देते हैं, ताप देते हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर एक मैं लेके चलता हूँ रैखिक तापी गुणांक अल्फा। मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई एल नॉट है और इसको मैं मान लो ताप दे रहा हूँ, ठीक। तो इसकी लंबाई बढ़ के कितनी आ जाती है? डेल एल के मान के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो ताप देने का लंबाई एल टी बराबर एल नॉट प्लस डेल एल के बराबर हो जाती है। इसलिए लंबाई में वृद्धि डेल एल कितने के बराबर होती है? एल टी माइनस एल नॉट के मान के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि लंबाई में ताप में वृद्धि के, तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलता है? एल टी माइनस एल नॉट समानुपाती एल नॉट इंटू डेल टी या एल टी माइनस एल नॉट बराबर अल्फा एल नॉट इंटू डेल टी। इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं? रैखिक ताप गुणांक बोल देते हैं। और रैखिक ताप गुणांक अल्फा बराबर होता है एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू डेल टी के बराबर होता है। इसकी यूनिट क्या आ जाती है? पर डिग्री सेल्सियस के मान के बराबर आ जाती है। ऐसे अगर हमारे पास क्या आ जाता है, मैं किसी क्षेत्रफल को यहाँ पर हीट दूँ तो उससे हमारे पास क्या निकलता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकलता है। और क्षेत्रीय गुणांक प्रसार गुणांक को हम बीटा से शो कर देते हैं। और इसको करने के लिए मान लीजिए मैंने एक क्षेत्रफल ए नॉट लिया और इसको टेम्परेचर दिया, तो इसके क्षेत्रफल में डेल ए की वृद्धि हो गई, तो नया क्षेत्रफल ए टी बराबर कितना आ जाता है? ए नॉट प्लस डेल ए के बराबर आ जाता है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई? ए टी है माइनस ए नॉट समानुपाती प्रारंभिक क्षेत्रफल बिल्कुल वैसे ही आती है, और ए टी माइनस ए नॉट समानुपाती तापमान में परिवर्तन। देयरफोर ए टी माइनस ए नॉट समानुपाती ए नॉट इंटू डेल टी के बराबर आ जाता है। इसको अगर अपन लिखते हैं तो ये कैसा आ जाता है? ए टी माइनस ए नॉट बराबर बीटा ए नॉट इंटू डेल टी। इसलिए बीटा बराबर आ जाता है ए टी माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू डेल।
प्रारंभिक आयतन इसका वी नॉट है, मैंने इसका टेम्परेचर कितना, इसको टेम्परेचर दिया, तो अब इसका आयतन बढ़ के वी डी इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल वी हो गया। ठीक है, तो आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितने के बराबर हो गई, जी टी माइनस वी नॉट इक्वल टू डेल वी। ठीक, तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि डेल वी बराबर वी टी माइनस वी नॉट समानुपाती, प्रारंभिक आयतन वी नॉट और वी टी माइनस वी नॉट समानुपाती तापमान में परिवर्तन, इसलिए वी टी माइनस वी नॉट समानुपाती वी नॉट इंटू डेल टी, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, वी टी माइनस वी नॉट बराबर गामा वी नॉट इंटू डेल टी। इस गामा को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रसार गुणांक बोल देते हैं, और ये गामा बराबर होता है वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू डेल टी के मान के बराबर होता है। इससे हमने यहाँ पर मान निकाल लिया। ठीक है, तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है, अल्फा एवं बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में संबंध निकालने के लिए मैंने मान लीजिए क्या क्या, एक क्षेत्रफल ले लिया ये ए नॉट, और इसकी प्रारंभिक लंबाई सबकी एल 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 है, तो ए नॉट कितने के बराबर हो गया हमारे पास एल स्क्वायर। अब मैंने जैसे इसको टेम्परेचर दिया तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ के ये कितना हो गया, ए टी हो गया, तो ये ए टी मेरे पास इसकी लंबाई में परिवर्तन, अब लंबाई कितनी हो गई एल प्लस डेल एल हो गई। ठीक, क्लियर, या इसको मैं एल नॉट ही कर देता हूँ, एल नॉट कर दूँ। ठीक, तो इसकी लंबाई मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर एल नॉट प्लस एल के बराबर हो गई, तो ए टी बराबर मेरे पास कितना आ गया, एल नॉट प्लस एल होल स्क्वायर, इतने के मान के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो अब इसकी लंबाई भी बढ़ गई, तो ये कितने के बराबर हो गई, एल नॉट प्लस एल, एल नॉट प्लस एल, एल नॉट प्लस एल, एल लंबाई में वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन यहाँ कितना जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू एल नॉट प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एल नॉट होल स्क्वायर। क्या रिजल्ट निकलेगा, ए टी माइनस ए नॉट बराबर एल नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल नॉट इंटू एल प्लस एल स्क्वायर माइनस एल नॉट स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। इस एल स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट बहुत छोटा मान लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो मेरे पास क्या आ गया, ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू ट्वाइस एल नॉट इंटू एल के मान के बराबर। ठीक, इसको समीकरण नंबर एक कर दीजिए। ठीक, अभी मैंने क्या बताया, ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू ट्वाइस एल नॉट इंटू एल, बीटा कितने के बराबर होता है, ए टी माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू डेल टी, आप क्या कर लीजिए, ट्वाइस एल नॉट इंटू एल अपॉन एल नॉट स्क्वायर इंटू
अल्फा की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अल्फा एवं गामा में संबंध निकाल सकते हैं। अल्फा और गामा में संबंध निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक क्यूब ले लिया, बिल्कुल ऐसा ही एक मैंने क्यूब ले लिया, ये इसका प्रारंभिक आयतन V0 है और लंबाई L0, L0 और L0 के इक्वल है, तो V0 बराबर कितना आ जाएगा, L0 Q के मान के बराबर हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर टेम्परेचर दिया तो इसका आयतन बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पर VT इक्वल टू, मान लो इसकी लंबाई में वृद्धि L0 से डेल एल हो गई, तो ये हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल एल होल क्यू के बराबर हो गई। इसकी हर लंबाई कितने के बराबर वृद्धि हुई, एल नॉट प्लस डेल एल, तो वी टी यहाँ पर कितने के बराबर हो गया, एल नॉट प्लस एल नॉट होल क्यू। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखा लेते हैं क्या, आयतन में वृद्धि, इसको करेक्ट कर लीजिए, डेल एल के बराबर आ गया। ये कैसा हो गया, वी टी माइनस वी नॉट इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल एल होल क्यू माइनस एल क्यू। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी होल क्यू एल नॉट क्यू प्लस थ्री एल नॉट स्क्वायर डेल एल प्लस थ्री एल नॉट डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एल क्यू माइनस एल क्यू। ये दोनों यहाँ पर कैंसिल। अब भी मैंने आपको क्या बताया कि डेल एल बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको भी हम जीरो के इक्वल मान लेंगे, और थ्री एल नॉट इंटू डेल एल स्क्वायर ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको भी जीरो के इक्वल मान लेंगे। तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, वी टी माइनस वी नॉट इक्वल टू थ्री एल नॉट स्क्वायर इंटू डेल एल। अब आपको क्या मालूम है, क्योंकि गामा इक्वल टू कितना आता है, वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू डेल टी, ये कितने के इक्वल हो गया, थ्री एल नॉट स्क्वायर इंटू डेल एल अपॉन एल नॉट क्यू इंटू डेल टी। ये दोनों कैंसिल, तो गामा इक्वल टू कितना जाएगा, थ्री डेल एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल टी। ये पूरी टर्म कितने के इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, तो मेरे पास गामा इक्वल टू कितना आ गया, थ्री अल्फा। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, चूंकि बीटा इक्वल टू कितना आया था, टू अल्फा, इसलिए मैं एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ। इसलिए अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा वन रेशो टू रेशो थ्री के मान के बराबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जामिनेशन में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसको कर लीजिएगा आप लोग।